नगर विमान महानिदेशालय ने स्पाइसजेट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके 50% उड़ानों पर 8 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। डीजीसीए ने कार्रवाई उनके विमानों में आई खराबी को देखते हुए लिया है। डीजीसीए की तरफ से जारी अंतरिम आदेश में कहा गया है कि 1 अप्रैल से 5 जुलाई की तारीख के बीच हुई घटना का भी जिक्र किया गया है। डीजीसीए ने कहा कि स्पाइसजेट एक सुरक्षित, कुशल और विश्वसनीय हवाई परिवहन सेवा स्थापित करने में विफल रही है। आदेश में कहा गया है कि एयरलाइन इसे रोकने के लिए उपाय कर रही है, लेकिन उसे एक सुरक्षित और विश्वसनीय हवाई सेवा के लिए अपने प्रयासों को बनाए रखने की जरूरत है। 12 जुलाई को ही स्पाइसजेट की दुबई मदुरे उड़ान में विमान के अगले पहिए में खराबी आ गई थी। इससे पहले कई ऐसी घटना हुई जिससे विमानों पर सवाल उठे। डीजीसीए ने 6 जुलाई को विमान में तकनीकी खामी की घटित 8 घटनाओं पर कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उड्डयन नियामक ने कहा था कि सस्ती सेवा प्रदाता कंपनी सुरक्षित, प्रभावी और विश्वसनीय हवाई सेवा मुहैया कराने में असफल रही है। Love you, दीपिका। Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।